आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, पाकिस्तान आतंक रोके नहीं तो भारत अमेरिका की तरह करेगा कार्रवाई। संजय राउत केंद्रा और जॉन करीम लाला के बयान पर हंगामा, कांग्रेस ने कहा शिवसेना को पछताना पड़ेगा। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम, बदबू से परेशान नजर आए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधु। कमलनाथ की सरकार में मंत्री विधायक परेशान, अपनों के धोखे से दुखी कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल। और कल्लू केवट का लड्डू बेचने का वीडियो वायरल, केवट अनोखे अंदाज में गाना गाकर बेचते हैं लड्डू। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि अगर हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हमें भी अमेरिका जैसा रास्ता अपनाना होगा। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जंग की जरूरत है ताकि पूरी दुनिया में इसे अलग थलग किया जा सके। रावत ने रायसीना डायलॉग में पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा, वे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे वरना भारतीय सेना को अमेरिका की तर्ज पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चिताया और कहा, आतंकवाद के खात्मे के लिए अब जड़ों में जाने की जरूरत है। जब तक कुछ देश आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर के रूप में इस्तेमाल करना नहीं छोड़ देते और उनकी फंडिंग बंद नहीं करते, तब तक आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। यह लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है और हमें इसी के साथ जीना है। उन्होंने कहा कि हमें इसके खात्मे के लिए इसकी जड़ों तक पहुंचना होगा, हमें भी अमेरिका जैसे रास्ता अपनाना होगा। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जंग की जरूरत है ताकि पूरी दुनिया में इसे अलग थलग किया जा सके। वॉर इज नॉट एंडिंग, द वॉर ऑन टेरर इज समथिंग विच इज गोइंग टू कंटिन्यू, वी विल हैव टू लिव विद इट अंटिल वी अंडरस्टैंड एंड गेट टू द रूट्स ऑफ टेरर। सो टू से दैट यू नो द डेजर्ट हैज बीन सर्वड एंड एवरीथिंग हैज कम टू एन एंड, बट डोंट फॉरगेट इवन एट द एंड ऑफ दैट देयर इज लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन, द टेबल्स हैव टू बी क्लीन, द डिशेस हैव टू बी वॉश्ड, and a lot of things to be accounted for the damages. So therefore, what is the future of terrorism? The future of terrorism is that terrorism is here to stay. So long as there are going to be states that are going to be sponsoring terrorism, so long there are going to be states that are going to use terrorists as their proxies, make weapons available to them, make the funding for them, we cannot control terrorism. And therefore, what is the final end state that we wish to arrive at? We have to bring an end to terrorism, and that can only happen the way the Americans started after 9/11. They said, let's go on a spree on global war on terror and let the nations join together and fight terrorism together. पूर्व सेना अध्यक्ष और वर्तमान सीडीएस रावत ने कहा कि अगर हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हमें भी अमेरिका जैसा रास्ता अपनाना होगा, जैसे उन्होंने 9/11 के बाद शुरू किया था। आतंकवाद के मददगार और इसके प्रायोजक देशों के साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि FATF जैसे मंचों पर ऐसे देशों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी ऐसे मुल्कों को कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर अंडरवर्ल्ड के जॉन करीम लाला से इंदिरा गांधी मिलने आती थी, पर कांग्रेस भड़क गई है और उसने शिवसेना से कहा है कि इस बयान पर उसे पछताना पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस के रुख से घबराए शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने बयान पर सफाई दी है कि करीम लाला पठानों के बड़े नेता थे, इसीलिए इंदिरा गांधी व अन्य राजनेताओं की उनसे मुलाकात होती थी। शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत ने कहा था कि इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड के करीम लाला से मिलने आती थी। संजय राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के बयान पर देश में सियासी घमासान मच गया। संजय राउत ने कहा था, एक समय मुंबई का अंडरवर्ल्ड बैंकॉक से भी ज्यादा ताकतवर था, यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी तब के अंडरवर्ल्ड जॉन करीम लाला से मिलने मुंबई आती थी। करीम लाला के कहने पर मंत्रालय तय होते थे। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, बेहतर होगा कि शिवसेना के
मिस्टर शायर दूसरों की हल्की फुल्की शायरी सुनाकर महाराष्ट्र का मनोरंजन करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करना तो उन्हें पछताना पड़ेगा। उन्होंने जो बयान दिया है वो वापस ले, संजय निरुपम ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा। यह विडंबना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीतिक दुकान चलाने वाले शिवसेना उनके वंशजों से वंशज होने का सबूत मांग रहे हैं। यह इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक उद्दंडता है। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवड़े ने भी शिवसेना के बयान की आलोचना और ट्वीट किया कि इंदिरा गांधी सच्ची देशभक्त थी। बयान पर बवाल मचने के बाद इस मामले से डरे हुए संजय राउत ने सफाई दी और गुरुवार सुबह अपने बयान से यू टर्न ले लिया। राउत ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से ले लिया गया है। करीम लाला पठान समुदाय के बड़े नेता भी थे। पठानों की भलाई के लिए इंदिरा गांधी समेत तमाम नेता आपस में मिलते रहते थे। अब करीम लाला होता त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पाय धुणीला, हे अंडरवर्ल्ड आम्ही पाहिलंय। हे आता काही नाही की तुम्ही आता नावं घेताय, मग तो दाऊद इब्राहिम असेल बरं का, छोटा शकील असेल, शरद शेट्टी होता, हे सगळे लोक ह्याच्या हातामध्ये मुंबई आणि आसपासचा भाग होता, ते ठरवायचे मुंबईत काय होणार, पोलीस कमिशनर कोण होणार, मंत्रालयात कोण बसणार। हाजी मस्तान जेव्हा मंत्रालयात जायचं तो अख्खं मंत्रालय त्याला घ्यायला खाली यायचं, मी पाहिलेलं आहे। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं से चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो नाराज नजर आए। निरीक्षण के दौरान कई जगह तो इतनी बदबू थी कि मंत्री साधो को नाक पर हाथ करके निकलना पड़ा। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की सामान्य परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने बीएमसी परिसर का निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण के दौरान टॉयलेट से आ रही तेज बदबू की वजह से मंत्री साधो को अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने बीएमसी प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। सागर मेडिकल कॉलेज में हमेशा ही साफ सफाई का मामला यूं ही सुस्त पड़ा रहता है। जब कोई आला अधिकारी या मंत्री यहां दौरा करने आए तो व्यवस्थाएं कुछ ठीक की जाती हैं और अन्य व्यवस्थाओं को आनन फानन में दुरुस्त किया जाता है। मेरे पास मेडिकल और डॉक्टर यहां पर बनते हैं, चिकित्सा शिक्षा वाले सी एस सी पी एस सी जैसे कह रहे हैं कि वहाँ की बुरी हालत है कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री जो दूसरे मंत्री जी उसको संभालते हैं, कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, सुधार से भी बहुत कम डॉक्टर अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी जगह सुधार आ रहा है। उसको देखते हुए मेरे विभाग की तरफ से हम लोग ये नीति बनाने जा रहे हैं जिसमें जो हमारा एम बी बी एस करके स्टूडेंट निकलता है, जो पी जी करके एम डी एम एस करके निकलते हैं और जो हायर स्टडी करके डी एम और सी एच करके निकलते हैं, उनके ऊपर एक नीति बनाकर ये कर रहे हैं कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जो रजिस्ट्रेशन करती है, तो पहले तो बॉन्ड भरवाते थे तो बॉन्ड वो भर भराते और इधर उधर निकल जाते थे, लेकिन ये बात हम उसको बिल्कुल नियम में ला रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की ढाई साल बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो की अध्यक्षता में सामान्य परिषद की बैठक हुई। इसमें मंत्री ने कॉलेज के ऑडिटोरियम, हफसली के इंसिनेटर प्लांट, अप्रोच रोड और अन्य मुद्दों को लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से सवाल जवाब किए। इस दौरान संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वे नाराज हो गई और हाउसिंग बोर्ड के ई व इंजीनियर को जीसी की बैठक से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप भले ही अपनी कितनी भी पीठ थपथपा लें, लेकिन आपकी कांग्रेस और आपकी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यह हम नहीं कह रहे हैं, कहना है आपकी कांग्रेस की विधायक सुनीता पटेल का। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, कुछ कीजिए, आपकी विधायक पार्टी और आपके प्रशासन के रवैये से इतनी परेशान है कि उनका दुख अब मंच से सार्वजनिक हो रहा है। अपनों व कांग्रेस से भी मिले धोखे की वजह से विधायक सुनीता पटेल बेहद परेशान हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप भले ही अवैध रेत उत्खनन ना होने के दावे करते रहे हों, लेकिन आप ही के मंत्री और विधायक सारा सच बयां कर आपके सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब गाडरवारा की विधायक सुनीता पटेल को ही देख लें,
वर्मान मेले के उद्घाटन मौके पर विधायक सुनीता पटेल रेत के अवैध उत्खनन पर व्यथित नजर आईं और उन्होंने यह भी बोल दिया कि मां नर्मदा की गोद में बैठकर रोने का मन कर रहा है कि वे रेत का अवैध उत्खनन नहीं रोक पाई। उनका कहना है प्रशासन के अधिकारी थैले में रुपए तो ढूंढ लेते हैं लेकिन थाने के सामने से निकल रहे रेत के अवैध ट्रक नहीं रोक पाते। अगर मुझे इस्तीफा भी देना पड़े तो मैं इस्तीफा दूंगी, मैं रेत के अवैध खनन रोकने का वचन पूरा नहीं कर पा रही हूं। कमलनाथ जी, आपके एक साल के राज में विधायकों का ये हाल है। पूरी मेहनत की लेकिन मुझे तीन तरह से धोखा मिला, दूसरी पार्टियों से भी मिला, खुद की पार्टी से मिला और प्रशासन से भी मिला और सबसे ज्यादा मेरे अपनों से मिला। मां नर्मदा के सामने मैं कहने से कभी नहीं चूकती, क्षेत्र की जनता के सामने कहने से नहीं चूकती कि मेरे तन में जितनी सेवा करने की शक्ति थी, एक साल हो गया मैं चैन से नहीं रह पा रही, सुबह शाम फोन लगाती हूँ, यहाँ से रेत जा रही, वहाँ से रेत जा रही है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी थैला में छुपे रुपये ढूंढ लेते हैं, तिजोरी में रखे चोर पैसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन थानों के सामने से ट्रक जा रहे वो नहीं दिख रहे, है मेरी अचरज की बात है। कमलनाथ जी, रेत की खेती से आपके राज में भी आपके अधिकारी जमकर माल कूट रहे हैं और रेत का काला कारोबार जारी है। आपकी विधायक सुनीता पटेल की माने तो उन्हें रेत के काले कारोबार को लेकर कांग्रेस और प्रशासन से धोखा ही मिला है। आप ही के लोगों का कहना है जब मंत्री अधिकारियों से कहें तो कार्रवाई कर दी जाती है, बाकी रेत का अवैध धंधा अधिकारियों की नजर में तो आता ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जब मंत्री प्रशासन को बताए तब कार्रवाई हो रही और प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से ये सारा अवैध उत्खनन चल रहा था। जब मंत्री संज्ञान में लाए तब तहसीलदार SDM कार्रवाई करते हैं, प्रतिदिन उनकी नज़रों के सामने ये सारा अवैध उत्खनन और ओवरलोड और बिना रॉयल्टी के सारे रेत का खनन हो रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। कमलनाथ जी, आपके लोगों की पीड़ा इसलिए भी बहुत वाजिब है कि चुनाव से पहले घोषणा पत्र में मतदाताओं से भी रेत अवैध उत्खनन को रोकने का वादा आपकी पार्टी ने किया था। कमलनाथ जी, कभी मैदान में जाकर भी हाल देख लिया करें कि आपके राज में आपके लोगों की ही क्या गत हो रही है। विधायक सुनीता पटेल ने तो यह भी कह दिया कि मुझे किसी की दम पर टिकट नहीं मिला, मुझे तो नर्मदा जी की कृपा से टिकट मिली है, मैं इस्तीफा दूंगी तो सबसे पहले नर्मदा जी को दूंगी, इसके बाद जरूरत पड़ी तो विधानसभा के समक्ष धरने पर बैठ जाऊंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा के चर्चा में आए गुना के सांसद KP यादव ने CA के समर्थन में पर्चे बांटे। यादव ने लोगों के बीच पहुंचकर कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, इससे किसी की भी नागरिकता को खतरा नहीं है। गुना सांसद KP यादव ने CA के समर्थन में मुंगावली पहुंचकर दुकानों पर जाकर व फुटपाथ पर लोगों को CA के समर्थन में पर्चे बांटे व लोगों को बताया कि किसी भी व्यक्ति की इससे नागरिकता नहीं छिन रही बल्कि उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जिनको पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किया गया और वह मजबूरी से वहां से भागकर अपने देश आए और अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन उनको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इस कानून के बाद इन पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा और शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। ये बिल सिर्फ उन लोगों को नागरिकता देने के लिए ये बिल लाया गया है जो कि तीन देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो हमारा अखंड भारत था, जो हमारे लोग पार्टीशन के दौरान इन देशों में रह गए थे, जो अल्पसंख्यक भाई वहाँ के थे, उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार हुए, उनकी जो जनसंख्या बंटवारे के समय थी उससे घटकर वो बहुत कम हो गई है अभी, वो कई तरह के उनके ऊपर अत्याचार हुए तो भाग कर वहाँ सर किसी तरह हमारे देश में उन्होंने शरण ली और वो शरणार्थी की तरह से हमारे देश में रह रहे हैं, लेकिन जब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी तब तक उन्हें यहाँ की जितनी भी जनहितकारी, जनकल्याणकारी जो सरकार की योजनाएं रहती हैं उन योजनाओं का उन भाई बहनों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही इस कानून के दौरान उनको नागरिकता मिलेगी तो उन्हें वो सारे लाभ मिल सकेंगे जो हम सबको मिलते हैं। आला अधिकारियों की लापरवाही और राजनीति के चलते कई विकास की योजनाओं का लाभ अब आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओरछा तहसील के पश्चिमी मरोड़ गांव में सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी के कारण मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है। दरअसल निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील अंतर्गत पश्चिमी मरोड़ गांव में राजनीति के चलते विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। गांव को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। गांव में नाली न होने के कारण सड़कों पर बहता पानी स्थानीय लोगों की मुसीबत का सबब बन गया है। इतना ही नहीं, गांव में आने जाने के लिए सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को लगभग 12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। सबको की, कलेक्टर को भी की और तहसीलदार को भी की, और कई बार तो कलेक्टर में हम लोग ट्रैक्टर भर के भी गए, लोग बाग कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर, सड़क इसलिए नहीं बन पा रही, यहाँ पर जो तहसीलदार को आवेदन दिया था तो वो कहते हैं जो जमीन बीच कड़ी है रास्ता की वो नाप गए थे, लेकिन यहाँ जो पत्थर रखे हुए हैं दोनों साइड से वो कहते जमीन हमारी है, उन्हीं तहसीलदार ने उनको स्टे दे दी, इसी कारण नहीं मिल। अब तहसीलदार ने पहले आदेश कर दिया, अब तहसीलदार का समझ में नहीं आता, आदेश कर दिया और फिर स्टे कैसे दे मिल गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक वर्ष से लगातार जिला मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही। ग्रामीणों को सिवाय आश्वासन के कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना ही अब तक समस्याओं का निराकरण किया गया है। बुढ़ेरा पंचायत का शिकायत का जो आपने अभी आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है, ये जन सुनवाई में इन्होंने आवेदन दिया था 7 जनवरी को, और रास्ते पे कुछ अतिक्रमण को लेके और दूसरी चीज़ों के कारण जो सड़क नहीं बन पा रहा उसके संबंध में आवेदन है। इसके बारे में जनसुनवाई शाखा से पता किया गया है, ये तहसीलदार को और सीओ को निर्देशित किया गया है। अभी इसको एक वीक ही हुआ है, शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और तहसीलदार और सीओ के द्वारा जो भी इस पर कदम उठाना है वो उठाया जाएगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधी का जिला चिकित्सालय उपचार के बजाय आए दिन हंगामे को लेकर सुर्खियों में रहता है। जिला चिकित्सालय में हंगामा कर रहे एक युवक ने आरोप लगाया कि सड़क हादसे में उसके भाई की मौत हो गई थी। उसके बाद भाई की पीएम रिपोर्ट ना ही जिला चिकित्सालय और ना ही सिटी कोतवाली द्वारा दी जा रही है। पीएम रिपोर्ट मांगने पर युवक के साथ गाली गलौज की गई। उधर सिविल सर्जन ने बताया कि युवक ने उनसे गाली गलौज कर मारपीट की, लेकिन युवक के आरोप ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सीधी का जिला अस्पताल डॉक्टर और नर्सों के बर्ताव को लेकर ज्यादा चर्चित है। अस्पताल प्रबंधन से परेशान होकर एक सिरफिरे युवक ने सिविल सर्जन पर लोटे से जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने जिला चिकित्सालय परिसर में करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि युवक ने भाई को मुखाग्नि दी और फिर घर से लोटा लेकर अस्पताल आया, जहां उसने सिविल सर्जन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद गार्डों ने सिविल सर्जन को बचाया, लेकिन बीच बचाव करने आए 3 व्यक्ति उस लोटे से जख्मी हो गए। युवक ने चिकित्सालय के सिविल सर्जन एवं पुलिस को जमकर कोसा। युवक ने बताया कि उसके भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके भाई की पीएम रिपोर्ट ना तो सिटी कोतवाली से दी जा रही है और ना ही अस्पताल प्रबंधन उसे पीएम रिपोर्ट दे रहा था। पीएम रिपोर्ट मांगने पर अस्पताल में उसके साथ गाली गलौज की गई और उसके साथ मारपीट की गई। इसको खड़े को तत्काल सस्पेंड, भाई का गाली गलौज मारपीट कराया, उसके बाद पुलिस हमारे भाई का मर्डर के सबूत में पुलिस बरामद करके मोबाइल किसी अन्य आदमी को दे दी, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरा भाई खुद एडीजी राजस्थान में बीएल सोनी है, वो सीआईडी एडीजी राजीव टंडन को मध्य प्रदेश में बताए, लेकिन एडीजी सीआईडी की ये बात नहीं सुन रही है पुलिस। हंगामा करने की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन का कहना है कि युवक के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया और उनके साथ गाली गलौज भी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने सिटी कोतवाली में की। थाना प्रभारी ने बताया कि हंगामा कर रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राजकुमार सोनी नाम का व्यक्ति आया, उससे एक अपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने लगा। हमने उसको ये कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को सौंपी जाती है, ना कि संबंधित जन को, तो वो पुलिस को सौंपी जाएगी, उसके बाद फिर आप वहाँ से ले लेना, ये RTI लगा लो तो उसको मिल जाएगी आपको।
पर वो बुरी तरह अकड़ गया और गाली गलौज शुरू कर दिया, बोला नहीं पोस्टमार्टम दोगे कैसे नहीं, और बुरी बुरी गालियां शुरू कर दिया देना। तो मैंने उसको समझाया कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अगर जरूरत RTI लगा दो तो मैं तुमको उसकी फ़ोटो कापी करा देता हूँ। पर नहीं, बोले नहीं आप हमको इसी वक्त रिपोर्ट दीजिए, तत्काल मुझे चाहिए। ऐसा करके उसने बहुत गाली गलौज की और मारपीट को उतर आया, तो हमने गार्डों को बुलाया, गार्डों ने उसको पकड़ा। तब पर गार्ड को पकड़ने के बाद भी वो छूट के उसने हमारे जो लेफ्ट सहायक है उसको मारा, क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक कर रहा था तो उसने उसको पकड़ा, तो चोट उसको लगी, फिर गार्ड को मारा। तब तक हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई तो उसको लेके यहाँ पहुँचवाई। सर पुलिस को भी, पुलिस को भी और SP को भी गाली, सबको गालियाँ दे रहा था, हमको तो दे ही रहा था और पुलिस पूरे प्रशासन को गालियाँ। हमने उससे प्रयास किया, अगर हमारा गार्ड नहीं पकड़ता तो हो सकता है मुझे भी चोट आती। अस्पताल से एक तहरीर आई थी वहाँ के, मतलब ये जितेंद्र सोनी, राजन सोनी और ये भैयो सोनी, इन्होंने अस्पताल में CMO ऑफिस में घुट करके वहाँ पर तोड़ फोड़ मारपीट किए हैं। शासकीय कर वहाँ जो शासकीय दस्तावेज हैं उनमें फोड़ फाड़ फाड़ ली है, जिस पर से आवेदन पर से अपराध क्रमांक 26/20 कायम करके धारा 353, 332, 294, 506, 427 और 34 का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को मौके पर तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा। बहरहाल सीधी जिला चिकित्सालय आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। पीड़ित युवक द्वारा लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं और उसके आरोप को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जिन परिस्थितियों में युवक ने हंगामा किया वह पुलिस एवं जिला चिकित्सालय प्रबंधन दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। बीजापुर में प्रेशर IED बम की चपेट में आने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रूटीन सर्चिंग के दौरान जवान बम की चपेट में आ गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक जवान सर्चिंग के दौरान प्रेशर IED बम की चपेट में आ गया, जिससे जवान के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। जवान का नाम रामानुज यादव बताया जा रहा है, जो कि CRPF के 85 बटालियन का जवान है। यह घटना बीजापुर के चिकना कोड़ेपाल गांव के पास हुई। घायल जवान का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। SP ने बताया कि CRPF जवान रूटीन चेकिंग के लिए जंगल में निकले हुए थे, तभी उनका पैर नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED बम पर पड़ गया। IED बम की चपेट में आने से जवान के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल जवान को आगे के इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। आज CRPF 85 बटालियन माधव घाटी की कंपनी रोड ओपनिंग ड्यूटी में निकली हुई थी। इस दौरान कैंप से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल एरिया में एक जवान रामानुज का पांव प्रेशर IED पे आया, जिसके चलते IED ब्लास्ट हुआ है। उसके राइट लेग में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। अभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है, अग्रिम इलाज के लिए उसको रायपुर भेजा जा रहा है। डीजल बेचने के बहाने सरपंच को बुलाकर उससे लूटपाट करने की घटना सामने आई है। कट्टे की नोक पर बदमाशों ने सरपंच से अंगूठी व 14,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के खिलाफ पहले भी थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हथियारों से लैस बदमाशों ने सरपंच के साथ फिल्म स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया। रीवा के अतरेला थाने में बदमाशों ने सरपंच को डीजल बेचने के बहाने बुलाया और कट्टड़ाकर उनसे अंगूठी व रुपए छीनकर फरार हो गए। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सरपंच प्रभात कुमार द्विवेदी के मोबाइल पर किसी ने फोन किया और खुद की JCB मशीन चलाने की जानकारी दी। पैसों की आवश्यकता बताकर सरपंच को डीजल बेचने का प्रलोभन दिया। सरपंच के बदमाशों के बताए अड्डे पर पहुंचने पर बदमाशों ने कट्टा लगाकर उनकी अंगूठी और पैसे छीन लिए और धमकाते हुए वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मोबाइल के टावर लोकेशन के आधार पर सतना में 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया। प्रभात द्विवेदी, इनके द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि मैं 4 बजे के आसपास अपने घर पर था और मुझे फोन आया किसी व्यक्ति का और उसने बताया कि मेरे पास JCB है और मेरे पास डीजल है, मैं वो डीजल बेचना चाहता हूँ, आप आके ले लो। तो अज्ञात नंबर था, इनको जानकारी थी नहीं, ये देखने के हिसाब से चले गए वहाँ कि कौन व्यक्ति है जो डीजल बेच रहा है, मुझे फ़ोन कर रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम, साइबर की टीम के द्वारा SDP डबोरा के साथ एक टीम बनाई गई, लगातार इस चीज़ की पतासाजी की गई। पतासाजी के दौरान दूसरे दिन 13 तारीख को शाम को बस स्टैंड के पास बीरसिंह नगर में ये 2 लोग संदिग्ध हालात में मिले, जिसमें एक का नाम था अभिषेक गौतम और दूसरे का नाम अजय पांडे। ये दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो घटना के बारे में उन्होंने स्वीकार किया। इनसे जो लूटे गए पैसे थे वो बरामद हुए, साथ में जो घटना प्रक मोटरसाइकिल थी वो भी जब्त की गई।
बदमाशों की पहचान अंकुर गौतम और अजय पांडे के रूप में हुई। पुलिस को इनके पास से वारदात में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा, बाइक व लूटे गए रुपए बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश आदतन अपराधी है और उनके खिलाफ पहले से ही सतना जिले के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है। छतरपुर प्रशासन ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने हल्के भैया यादव के मकान को गिरा दिया है। भूमाफिया पर लोगों को सरकारी जमीन बेचने का आरोप है। पुलिस ने भूमाफिया को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन के बाद छतरपुर प्रशासन भी अब इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सिविल लाइन क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी में भूमाफिया हल्के भैया यादव के सरकारी जमीन पर बने आलिशान मकान को जेसीबी मशीन की मदद से धराशायी कर दिया गया। इसके साथ ही कई एकड़ की जमीन में हो रही खेती को भी ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। भूमाफिया पर आरोप है कि उसने गरीबों को सरकारी जमीन पर कॉलोनी बनाकर बेच दी। पुलिस ने इस भूमाफिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन का कहना है यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सख्त निर्देश है कि जो भी किसी प्रकार का माफिया हो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके कार्रवाई की जाए। इसी दौर में आज एक भूमाफिया यहाँ पे दुर्गा कॉलोनी में हल्के यादव नाम का है, उसके द्वारा भी काफ़ी बड़े एरिया में मकान बनाया गया और साथ में कॉलोनी वासी जो लोग हैं उनको भी होने पूरे गांव में ज़मीन बेच करके कॉलोनी अवैध तरीके से मकान बनवाए गए हैं। उसी कड़ी में आज ये जो कार्रवाई की जा रही है, उनके आगे को मकान ध्वस्त किया जा रहा है। रीवा में संयुक्त कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सरकार को वचन पत्र में किए वादे के अनुसार पुरानी परिवार पेंशन को लागू करने की मांग की। रीवा में अत्योतर तहसील के विश्राम गृह में संयुक्त कर्मचारी संगठनों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठनों का कहना है कि सन 2004 से बंद पुरानी पेंशन को लागू किया जाना चाहिए। जिले भर के शासकीय कर्मचारियों ने पुरानी परिवार पेंशन लागू करने के लिए अधिकार यात्रा के तहत विश्राम गृह के हायर सेकेंडरी स्कूल तक रैली निकाली और बीईओ को मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया। जिलाध्यक्ष चंद्रोदय मिश्रा और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष श्याम बिहारी तिवारी ने सरकार के वचन पत्र के अनुसार पुरानी परिवार पेंशन लागू करने की मांग की। जो हमारे अध्यापक संवर्ग के अन्य विभाग के 56 विभागों कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनमें जो एनपीएस कटता है उसमें एनपीएस की 60% राशि तो उनको एक मुफ्त दे दी जाती है और 40% राशि में आजीवन पेंशन बनाई जाती है और उस आजीवन पेंशन में उनकी जो पेंशन की राशि होती है 800, 1000, 1200 होती है। इससे उनका 62 वर्ष की आयु के बाद गुजारा हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम चाहते हैं आज परिवार पेंशन बहाली यात्रा निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो हर हाल में सभी संवर्ग के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल। नेताओं की पेंशन बढ़ से नहीं पाते, न इनके पास जमीन है न जायदाद होती, केवल एक नौकरी होती है। ये जिस नौकरी में रिटायरमेंट हो जाते हैं पेंशन नहीं पाते और उनका परिवार कैसे चले, इस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर कर्मचारी संगठन में ये बात चंद्रोदय जी शुरू किए हमारे और उनके ओम प्रकाश मिश्रा अन्य सभी नेताओं के नेतृत्व में मैं यह आंदोलन करूंगा। अभी तो मात्र एक रैली निकाल के सरकार को चेतावनी दी जा रही है। केंद्र गवर्नमेंट और प्रांतीय सरकार को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा जब तक पेंशन बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में लोहड़ी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पंजाबी और सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। संत हिरदाराम नगर में पंजाबी समाज द्वारा लोहड़ी पर्व मनाया गया। इस मौके पर देर रात तक गिद्दा और भांगड़ा चलता रहा। युवक युवतियों ने मंगल गीत गाकर अपनी पंजाबी विरासत को एक बार फिर जीवित कर दिया। लोहड़ी पर्व के अवसर पर लोगों ने लकड़ी की लोहड़ी बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और उसमें तिल, गुड़, मूंगफली व अन्य सामग्री समर्पित कर खुशियां मनाई। पर्व में पंजाबी समाज के साथ साथ सिंधी समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और एक दूसरे को बधाई दी। गुरु जी की फतेह, लोहड़ी दिया पूरे देश को लख लख बधाइयां, आने वाले साल दिया भी बधाइयां और सुख शांति रवे और बाद सब शुभ कामना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी बोले सो निहाल।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हैप्पी लोहड़ी। आज वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह इस साल भी सीआरपी पर मैं हम पूरे परिवार से मुझे परिवार की तरफ से निरंतर परिवार मनाते हैं। इस त्यौहार में देश की खुशहाली, परिवार की खुशहाली में मनाते हैं। और दिन हम ये जला के लकड़ी के तिल और गुड़ और तिल गुड़। मकर संक्रांति का पर्व नर्मदा की नगरी होशंगाबाद में परंपरागत भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान किया और दान धर्म की परंपरा को निभाया। इस दौरान प्रशासन मुस्तैद रहा। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में प्रशासन ने पुलिस बल के साथ होमगार्ड के जवानों को भी तैनात किया था। सूर्यदेव की उत्तरायण में आने का पर्व मकर संक्रांति माँ नर्मदा की नगरी होशंगाबाद में परंपरागत भक्ति भाव के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान किया। मकर संक्रांति पर्व नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। मान्यता है कि वर्ष भर में 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन मकर संक्रांति इनमें विशेष महत्व रखती है। सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के उपलक्ष में इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर और दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। संक्रांति पर्व पर पुण्य नदियों तीर्थ में स्नान दान से जाने अनजाने किए पापों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर्व सामाजिक सरोकारों का पर्व भी है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और सभी श्रद्धालु इस दिन अपनी क्षमतानुसार दान धर्म कर पुण्य लाभ कमाते हैं। संक्रांति पर तिल दान का विशेष महत्व होता है। नर्मदा घाटों पर परंपरागत रूप से नारायणों की भीड़ रही। आज का मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। यह देश का एक बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि आज से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण होने का मतलब है आज जो सभी मांगलिक कार्य जो है बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि अब देवताओं का बात शुरू हो जाता है उत्तरायण होने के बाद। जैसा आपको मालूम है, बीच पिता में 6 महीने सर संयाद पड़ रहे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होना था। उत्तरायण होकर उन्हें शरीर छोड़ा। आज तो ये है कि एक डुबकी लगाना बहुत बड़ा यानी कि महत्व है नर्मदा जी के, और बाहर बाहर के बहुत से लोग आते हैं उसका पर्व लेने के लिए। और मकर संक्रांति यानी कि वो तिल का दान और खिचड़ी का दान यानी कि देना बहुत जरूरी है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से 300 पुलिसकर्मी और 40 होमगार्ड जवानों को अलग अलग घाटों पर तैनात किया गया था। कोई बड़ी घटना ना हो इसके लिए 5 नावे सहित लाइफ जैकेट भी व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर नर्मदा जी के किनारे खासकर सेठानी घाट, कोरी घाट, विवेकानंद घाट, पोस्ट ऑफिस घाट और बांद्रा भान, इन स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि लगभग 300 पुलिसकर्मी हमारे लगे हुए हैं और लगभग 60-65 होमगार्ड के जो जवान हैं, कुछ तैराक भी हैं उनमें, वो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारी मोटर बोट लगी हुई होमगार्ड्स की, वो सतत निगरानी रख रही है कि किसी प्रकार से कोई गहरे पानी में ना जाने पाए और कोई किसी के डूबने की स्थिति ना बने। लोगों को ये समझाइश दी गई है कि जहाँ तक ये चैन बंधी हुई है, पाइप लगे हुए हैं, वहाँ तक जाके स्नान करें, डुबकी लगाएं। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ के सभी घाटों पर 44 तैराकों को लगाया और बोट भी हमारी सतत पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी प्रकार के हादसे से निपटा जा सके। और इसके साथ साथ सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं हमारे यहाँ के जूता को, ये वॉलंटियर को सिविल नहीं मिलता है, तो ये हमेशा पानी में रहते हैं, तो इसकी सुरक्षा अच्छी चाक चौबंद कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।